दिशश्च नारायणः।
ദുഃഖം സർവം യദ ഭൂതം യശ്ച ഭവ്യം നിഷ്കലോ നിരഞ്ജനോ നിർവികോസ്തി കശ്ചിത് യ ഏവം വേദ സ വിഷ്ണുരേവ ഭവതി സ വിഷ്ണുരേവ ഭവതി ഓമിത്യഗ്രേഭ്യാ ഹരേ നമഃ ഇതി പശ്ചാത് നാരായണായേത്യുപനിഷത് ഓമിത്യേകാക്ഷരം നമഃ ഇതി ദ്വേ അക്ഷരേ നാരായണായേ മന്യോ മധുസൂദനോ സർവഭൂതസ്ഥമേകം നാരായണം കാരണരൂപമകാര പരബ്രഹ്മോ ശിരോ യോ ധീതേ പ്രാതരധിയാനോ രാത്രി കൃതം പാപം നാശയതേ സായമധിയാനോ ദിവസ കൃതം പാപം നാശയതേ മാദ്യനധിനമാദിത്യാഭിമുഖോ ദിയാനഃ പഞ്ചപാതകോപപാതകാത് പ്രമുച്യതേ സർവവേദ പാരായണ പുണ്യം ലഭതെ നാരായണ സായുജ്യമവാപ്നോതി യ ഏവം വേദ ഇത്യുപനിഷദ് സഹനാ ഭവതു സഹനാ ഭുനക്തു സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം ശ്രീ സൈറാം രാജസ്ഥാൻ കെ ഇസ് രാജ്യ സമ്മേളൻ മേ പധാരേ ഹുഏ ഹമാരെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഓർ സംഘടൻ കെ രാഷ്ട്രീയ ഉപാധ്യക്ഷ ആദരണീയ ശ്രീ നിമിഷ് പാണ്ഡ്യ ജി പുട്ടപർത്തി സേ ഭഗവാൻ കെ വചനാമൃതോ കാ അംഗ്രേജി മേ രൂപാന്തരണ കർണേ വാലെ ആദരണീയ ശ്രീ അനിൽ കുമാർ ജി ആദരണീയ ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മി കാമരാജു ഓർ ശ്രീമതി കമലാ പാണ്ഡേ ജോ കി ഹമാരെ സത്യസായി സംഘടൻ കി ബാൽ വികാസ് കി രാഷ്ട്രീയ ഉപാധ്യക്ഷ ഹൈ ഓർ രാജസ്ഥാൻ കെ പധാരേ ഹുഏ സഭീ സമിതിയോ സേ ജോ ഭക്തഗണ് ആയേ ഹൈ ആപ് സഭീ കാ ഹൃദയ സേ ഹാർദിക് സ്വാഗത് ഹൈ അബ് ഹം ആജ് കെ കാര്യക്രം കി ശുരുആത് കർതേ ഹൈ മേ ഹമാരെ രാജ്യാധ്യക്ഷ മഹോദയ സേ നിവേദന കർതാ ഹൂം कि आप आदरणीय श्री निमिष पांड्या साहब और श्री अनिल कुमार जी के संग आकर यहाँ दीप प्रज्वलन करें। मानव इतिहास में यह ऐसा पहला अवसर था जबकि किसी अवतार ने संगठन की रचना करी। भगवान श्री सत्यसाई बाबा ने श्री सत्यसाई सेवा संगठन हमको दिया। ऐसा क्यों? एक बार भगवान अपने भक्तों को संबोधित कर रहे थे और उस समय उन्होंने प्रोफेसर कस्तूरी से पूछा कि कस्तूरी, भगवान का सबसे बड़ा सृजन क्या है? हमें से भी प्राय यदि भगवान हमसे पूछें, कस्तूरी जी भगवान के साथ अनेकों अनेक वर्ष रहे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि स्वामी, अंगूठी, चेन, इन सब से ऊपर आपका सबसे बड़ा सृजन है हृदय का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। कस्तूरी जी सोच रहे थे कि शायद भगवान मेरी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन भगवान ने कहा, नहीं कस्तूरी, मेरा सबसे बड़ा सृजन है तुम। तुम से भगवान का इंगित था मानव, सबसे पहले मानव,
हृदय। जंतु नाम नर जन्मम दुर्बलम। स्वामी ने कहा है परोपकारम शरीरमिदम, सबसे प्रेम सबकी सेवा। इसी स्तंभ पर श्री सत्य साई सेवा संगठन विश्व के 185 से भी ज्यादा देशों में इस समय कार्यरत है। राजस्थान राज्य के इस सम्मेलन में अब मैं सभी ने ओम श्री साई राम, साई चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी साई भक्तों को मेरा साई राम, आप सबका इस वार्षिक सम्मेलन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाहर से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ अजीज मेहमान, हमारे ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट श्री निवेश जी पांड्या, श्री कमला जी पांड्या, श्री अनिल कुमार जी कामराजू एंड मिसेस कामराजू का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपने राजस्थान के लिए अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आपके आशीर्वचनों से हम लाभान्वित होंगे, हमें प्रेरणा मिलेगी, हम राजस्थान का साई संगठन नई दिशा की ओर बढ़ेगा। भगवान बाबा के समाधि लेने के उपरांत भी बाबा हमारे दिलों में आज भी मौजूद हैं, उसे हम सेवा कार्यों में लगाएं, ये भी एक आवश्यक चीज है। मैं हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कोऑर्डिनेटर को कहना चाहूँगा कि वो इंटरनेट सेवा का उपयोग करें, कंप्यूटर का उपयोग करें, और इससे हमारे संगठन में और प्रसार होगा। डीपीज और कोऑर्डिनेटर्स और सभी एक्टिव वर्कर्स से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा के काम को प्रायोरिटी दीजिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा के कार्यों में लगाएं, तभी हमारा संगठन आगे बढ़ सकेगा। टीपीज और कोऑर्डिनेटर्स को एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्टेट सर्कुलर्स हैं वो कृपया सब एक्टिव वर्कर्स के पास जाने चाहिए। जब तक इंफॉर्मेशन नीचे तक नहीं जाएगी, डिसिमिनेट नहीं होगी, तब तक लोगों को पता क्या कि क्या हो रहा है स्टेट में, क्या हो रहा है प्रशांति में, क्या हो रहा है, इस जानकारी के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कन्वीनर्स से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी सर्कुलर स्टेट के या प्रशांति से जाते हैं वो हम आपके पास भेजते हैं, आप उनकी कॉपी करवाइए, और फिर ईच मेंबर एक्टिव मेंबर के पास वो कॉपी जानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, तभी हमारा जो नीचे के तबके में जो भी युवा साथी है या वो एक्टिव वर्कर है उसको पता लगे क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, तो इसको आप प्रायोरिटी दें। मैं पुनः हमारे वरिष्ठ मेहमानों को, स्पेशली जो बाहर से पधारे हैं, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट निमिष जी पांड्या, श्रीमती कमला जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, मिसेस कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उन्होंने अपना समय इस सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में जयपुर बाजार कर निकाला, हम उनके बहुत आभारी हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करूँगा कि हमें इस अवसर पर भगवान की कृपा हमारे पर बनी रहे, उनका अनुग्रह हमें हमारे पर बना रहे। जय साई राम। ओम श्री साई राम। मुझे पता है जयपुर में कड़ाके की सर्दी हो रही, मगर जरा जोर से बोले तो गर्मी और आ जाएगी। ओम श्री साई राम। अब लगता है कि जयपुर आया हूं। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और इस शुभ मौके पर बाबा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी असीम कृपा राजस्थान के सभी लोगों पर, उनके परिवारों पर, उनके सगे संबंधियों पर, राजस्थान के हर कोने में इनकी कृपा बरसे, बरसती रहे और हजारों साल तक बरसे। आदरणीय शेखावत जी, शर्मा जी, प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर सोचता था कि बाबा ने जयपुर में सर्वप्रथम आकर एक महिला कॉलेज क्यों खोली। इसका जवाब बड़ा आसान है भाइयों और बहनों। भारत के इतिहास में यदि किसी ने भक्ति की मिसाल जारी करी है तो मेवाड़ की रानी मीरा ने करके दिखाई थी, और बाबा जानते थे यदि हिंदुस्तान का भविष्य सुधारना है
हिंदुस्तान की जो एक खूबसूरत चित्र जो बनाना है, जो धर्म पर आधारित हो, मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, तो वो तब बनेगा जब हिंदुस्तान की महिला, हिंदुस्तान की हमारी माताएं, हमारी बेटियां जो उस स्तर तक भक्ति के मार्ग पर मीरा हमें ले गई थी, उस मार्ग पर ले जाएगी, तब जाके हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं जब उनको शिक्षा मिलेगी, तब जाके भारत का परिवर्तन होगा। ये जो सपना बाबा ने देखा था वो आज साकार करने का उत्तरदायित्व राजस्थान के राज्य पर है, ऐसा मेरा मानना है। एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। बाबा ने हिंदुस्तान में सिर्फ दो महिला कॉलेजें खोली थी, एक अनंतपुर में खोली थी और एक जयपुर में खोली थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं खोली थी कि बाबा को अपना मान सम्मान बढ़ाना था। बाबा चाहते थे कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो कि जिस समाज का आधार जो है वो एक परिवार के रूप में, एक परिवार एक आधार बने पूरे समाज का। और एक अच्छा परिवार तब बनता है जब उस परिवार में एक स्त्री अपने अलग अलग रूप को धारण करके अपना उत्तरदायित्व निभाती। एक स्त्री जो एक माता बनती, एक स्त्री जो एक पत्नी बनती, एक स्त्री जो एक माँ बनती है, बहन बनती है, बहू बनती है, सास बनती है। क्योंकि सभी रूपों के आधार पर जब एक अच्छा परिवार बनता है तो परिवार नींव बनता है एक ऐसे समाज की, जिस समाज में मानव मूल्य और इंसान की कीमत बढ़ती है, ऐसा बाबा का मानना था। आज सुबह के समाचार में आप यदि देखें तो अमेरिका की स्कूल में एक 24 साल की उम्र के लड़के ने स्कूल में जाके 25 छोटे छोटे बच्चों की कत्ल कर दी एक बंदूक लेकर, आज सुबह का समाचार। ऐसा क्यों होता? क्योंकि वह परिवार जैसी कोई चीज नहीं, वहां मां का प्यार नहीं, बहन की श्रद्धा नहीं, एक सास के आशीर्वाद नहीं। ये सब जो अभाव है प्यार का, उस प्यार के कारण इतना बड़ा देश अमरीका, जिसके पास सब कुछ है, जिसका अनुकरण आज हिंदुस्तान के लोग भी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण से करते हैं, वैसे देश में ये खास जो बात कमी है वो बात के कारण आज ऐसा एक मिसाल आप होगी। बाबा कदाई नहीं चाहते थे कि ऐसा समाज, ऐसा दिन इंसान को देखना पड़े। और आप जानते हैं कि आज का विषय जो मुझे दिया गया है वो ये है कि सत्यसाई मिशन की विशिष्टताएं क्या है। मैं कहूंगा सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि पहली बार मानव इतिहास में आकर, जैसे विवेक बता रहा था अभी, यदि मुझसे कोई भी पूछता है कि तुम्हें बाबा क्यों पसंद है, तो मैं हमेशा कहता हूं बाबा मुझे इसलिए पसंद नहीं कि बाबा कोई मिरेकल करते हैं, या बाबा कोई भगवान है जिससे डर कर मैं आगे बढ़ जाऊं, या तो खौफ के मारे भगवान से प्यार करूं। आज के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमें सबको सिखाया जाता है भगवान से डरो। बड़ी हौसले से बोल लेता हूं मगर कोई भी हिंदी का टीचर होगा तो मुझे फेल कर देगा। बाबा कहते थे कि इफ देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, दिल के अंदर ईमानदारी है, दिल के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, और यदि हृदय के अंदर भगवान का वास है, इस विश्वास से कोई जीता है, इफ देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट देन देयर इज ब्यूटी इन कैरेक्टर। ऐसे इंसान के चरित्र में एक सुगंध है जो एक दिव्य सुगंध फैलाती है उसके चरित्र में। और यदि इफ देयर इज ब्यूटी इन कैरेक्टर देन देयर इज हार्मनी इन द होम, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर भगवान की श्रद्धा है और उसका चरित्र इस श्रद्धा से जो खिला है, वही एक अच्छा परिवार का निर्माण कर सकता है। और यदि एक अच्छे परिवार का निर्माण है, हार्मनी इन द होम, जिस घर में शांति है, तब जाके घर में शांति होने के बाद देयर इज ऑर्डर इन द नेशन, देश में एक व्यवस्था बनती है, और जब देश व्यवस्थित होता है तब जाके पूरे विश्व में शांति होती है। ये भगवान का एक बताया हुआ मार्ग है। पर हम लोग क्या करते हैं, हृदय में भगवान को नहीं रखते और फिर भी परिवार का निर्माण करने चले, चरित्र में एकात्मता नहीं है फिर भी परिवार में सब कुछ कुशल हो ये हम अपेक्षा करते हैं, परिवार में शांति नहीं, परिवार में एकात्मता नहीं फिर भी हम समाज में समाज कल्याण का काम करने निकलते हैं, और वैसे ढोंगी बनकर जब बाहर निकलेंगे तो कोई फायदा नहीं। ये बात बाबा हमें समझाने आए थे कि सर्वप्रथम मुझे साधना करनी, मेरे हृदय में भगवान का वास करना। जब मेरा चरित्र इस आधार पर खिलेगा
तब जाके मेरे खुद के परिवार में मुझे बाबा को पहले स्थापित करना है। आज हमारे संगठन में हम अक्सर देखते हैं कितने अफसर हैं, कितने अफसरान हैं, कितने भक्त हैं, कितने लोग बाबा के पास आते हैं, पर उनके परिवार में जाके देखें तो परिवार वाले उनको उतना साथ नहीं देते। उनके खुद के बच्चे बाल विकास में नहीं जाते, उनके खुद के परिवार भजन में नहीं बैठता, उनका खुद का परिवार जाके समाज सेवा में साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि हम खुद जो बाहर आकर बाबा के भक्त के नाम से हम अपना एक बिल्ला लगा देते हैं, वो बाबा की भक्ति हमारे खुद के घर में हम स्थापित नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाबा का जो आधार था प्यार, वो प्यार हम अपने परिवार वालों को पहले दे ही नहीं पाते। पर फिर भी समाज में जाकर परिवार के वाले को प्यार न देते हुए बाहर जाके प्यार कर आए, हमारे पीछे मर हम भागे जा रहे हैं दूर भगवान से। भगवान हमारे पीछे भाग रहे हैं और हम आगे आगे बकरियों के बीच में भाग रहे हैं। शेर ने बड़ा भागा और शेर ने भी पकड़कर, जैसे बाबा ने मुझे आपको पकड़कर बकरियों के झुंड से जो अलग किया है आज, वैसे बड़े शेर ने उस शेर के बच्चे को झुंड से अलग किया। अलग करकर शेर के बच्चे को एक नदी किनारे ले गया। नदी किनारे लेकर पहली बार उस शेर के बच्चे का मुंह पानी के ऊपर रखा तो पानी के ऊपर उसका प्रतिबिंब उसे दिखा। तो प्रतिबिंब जब देखा शेर के बच्चे ने, लगा अरे बाप रे, मैं तो बकरी जैसा नहीं दिखता, मैं तो अलग दिख रहा हूं। जब उसे लगा कि मैं अलग दिख रहा हूं तो बड़े शेर ने अपना मुंह पानी में रखा तो छोटे शेर ने देखा, अरे बाप रे, मैं तो बड़े शेर जैसा दिखता हूं, मैं तो बकरी जैसा नहीं दिखता। फिर बड़े शेर ने और एक काम करी, बड़े शेर ने जोर से दहाड़ मारी शेरों वाली, तो छोटे शेर के बच्चे ने भी दहाड़ मारने की कोशिश करी, मगर क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों, हैबिट, आदत। बकरी बनने की जो आदत बन गई थी शेर को, तो उसके मुंह से बह ही निकला, मगर बड़े शेर ने उसको छोड़ा नहीं। बड़े शेर ने इसको बार बार पकड़कर दूसरी बार दहाड़ मारी, तीसरी बार दहाड़ मारी, 15-20 बार दहाड़ मारी। जब 21 के बार जब दहाड़ मारी बड़े शेर ने, तब पहली बार जाकर छोटे शेर ने भी शेरों वाली दहाड़ मार के पता चला, मैं भी शेर का बच्चा हूं, बकरी का बच्चा नहीं हूं। ये बात साबित कर दी बड़े शेर। भाई और बहनों, भगवान बाबा हमारी जिंदगी में आए हुए बड़े शेर के भांति, हम भी शेर के बच्चे हैं, बकरी के बच्चे नहीं। हम भी यदि हैं तो भगवान के प्रतिबिंब है, साधारण इंसान नहीं। हम भी पैदा हुए हैं दहाड़ मारने के लिए, वैसे ही दहाड़ जैसे भगवान श्री सत्साई बाबा मार के गए, 85 साल तक मार के गए। राजस्थान की धरती की आज की पुकार है कि हम जो यहां बैठे हैं शेरों वाली दहाड़ मारकर भगवान बाबा की आवाज राजस्थान के हर कोने कोने में पहुंचाएं। यही प्रार्थना आज की होनी चाहिए। ये दो शब्द और इस प्रार्थना के साथ आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, इस आशीर्वाद के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बड़ी शांति से आपने मुझे सुना और मैं चाहूंगा कि फिर आपसे मिलता रहूं और दो दिन बड़ी सुकून और बड़े आनंद से गुजरें। और इसके लिए आवश्यक है कि आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, बड़ी लंबी मुंह करके ना करें। शेखतावत जी भी प्यार वाले इंसान हैं, उनके सामने मुंह लंबा करने की जरूरत नहीं है। धनराज जी के सामने भी मुंह लंबा करने की जरूरत नहीं है। धनराज जी सिर्फ फुटपत्ती में चिल्लाते हैं, राजस्थान में तो मुस्कुराते ही रहते हैं। विवेक से भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। साई परिवार में सब एक समान है, हम लोग एक ही है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इस बात को विश्वास रखकर आज के बाद हम भगवान की साधना करें, इंसानों की साधना ना करें, यही सबसे प्रार्थना है। जय साई राम। आदरणीय निमिष पांड्या साहब द्वारा भगवान की जो अमृत वाणी थी उसको जीवन जीने की शैली में कैसे अपनाएं, बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया। भगवान कहते हैं तुम कोई एरे गेरे नथु खेरे नहीं हो, तुम दिव्यता का एक अंश हो। आपने हमें भी बताया कि हृदय की आवाज सुननी चाहिए। साइंस का स्टूडेंट होने के नाते एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। भगवान ने हमें 3 H बताए, हेड, हार्ट और हैंड। एक ट्रायंगल की जो 3 भुजाएं होती हैं, उसमें यदि एक साइड 3 सेंटीमीटर हो, दूसरी 4 हो, तो तीसरी क्या होगी, 5। यदि आप हेड से हार्ट आते हैं 3 सेंटीमीटर और हार्ट से हैंड जाते हैं 4 सेंटीमीटर, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हेड से सीधा हैंड पर आ जाते हैं, यानी कि हृदय की आवाज को हम नहीं सुनते हैं। 3+4 मिलकर 7 होता है,
और जो डायगोनल होता है वो पांच होता है। हम पांच की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, छोटी भुजा की तरफ, लेकिन हम सही रास्ता नहीं अपनाते हैं। श्रद्धा और प्रार्थना की बात आपने अभी बताई, प्रार्थना के लिए श्री संजय साहनी जो कि वृंदावन कैंपस के इस समय डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत वर्षों पूर्व एक बार भगवान के सम्मुख बड़ी हिम्मत कर बोला, प्रार्थना भक्त की सबसे बड़ी ताकत है और ईश्वर की सबसे बड़ी कमजोरी। बहुत हिम्मत से उन्होंने बोला, और लंच समय जब भगवान उनके पास आए तो स्वामी ने कहा, गुड थॉट, गुड थॉट, गुड थॉट। प्यारे बहनों और भाइयों और आदरणीय वरिष्ठों, आपने हमें जो भी सब बातें बताई हैं वो जब तक हम जीवन में ना अपनाएं तब तक इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। आज के हमारे दूसरे वक्ता आदरणीय श्री अनिल कुमार जी कामराजू, जो कि साईं परिवार में एक बहुत ही चिर परिचित चेहरा है, भगवान यदि डिस्कोर्स देंगे तो अनिल कुमार जी साइड में होंगे। अभी जब निमिष पांडे साहब बता रहे थे आउटसाइड तो उनको हंसी आ रही, बिकॉज स्वामी हैज टोल्ड हिम, अनिल आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। सन 1972 से वे इस संगठन से जुड़े हैं और आंध्र प्रदेश के राज्य अध्यक्ष रह चुके हैं, और लगभग पिछले 22 सालों में उन्होंने भगवान की अमृतवाणी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आपने 26 से भी अनेक देशों में भगवान के संदेश को पहुंचाया है, और अभी वो कल मुझसे बात कर रहे थे कि मैं 26 देश घुमाया लेकिन भारत के राजस्थान में नहीं गया, यह मेरी राजस्थान में प्रथम यात्रा है। हम आपका राजस्थान की इस प्रथम यात्रा में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने भगवान का संदेश पहुंचाने के लिए कई रातें प्लेटफॉर्म पर बिताई और स्वामी के साथ भगवान जहां भी गए भगवान के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया। मैं आदरणीय श्री अनिल कुमार जी साहब से अनुरोध करता हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से आज यहां बैठे सभी भक्तगणों को अनुरोधित करें। आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, जय जय प्रभु गिरिधार नटवर नंदलाला, जय जय प्रभु गिरिधार, जय जय प्रभु गिरिधार नटवर नंदलाला, नटवर नंदलाला हे गिरिधर गोपाला, नटवर नंदलाला हे गिरिधर गोपाला, नटवर हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, हरी हरी,
जय प्रभु गिरिधर नंद लाला नटवर नंद लाला हे गिरिधर गोपाला 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 जय जय प्रभु गिरिधर नटवर नंद लाला साईनाथ बाबा महाराज को sometimes that to adjust the mic it seems but to the extent I know Anil Kumar does not need a mic Sairam okay right here you go Sairam is that the voice because cold weather or what Sairam Sairam that's great pronounce at the lotus feet of our most beloved bhagwan परम प्रिय भगवान बाबा के श्री चरणों में हम सबका कोटि से नमन डियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्दर्न जोन ऑफ इंडिया मिस्टर निमिष पांड्या नॉर्दर्न जोन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री निमिष पांड्या जी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट राजस्थान राजस्थान के राज्याध्यक्ष महोदय द एल्डर्स ऑफ द स्टेट राजस्थान और राजस्थान राज्य के वरिष्ठ सदस्य ऑल एल्डर्स ऑफ राजस्थान हु आर हियर राजस्थान के सभी वरिष्ठ सदस्य यंगस्टर्स नौजवान बॉयज एंड गर्ल्स प्यारे लड़कों और लड़कियों आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर इन योर मिडस्ट दिस मॉर्निंग आज मैं यहाँ उपस्थित होकर अति प्रसन्न हूँ आई एम लकी टू हैव विवेक गुप्ता एज माई ट्रांसलेटर हु इज डूइंग अ गुड जॉब आई हैड एन ओकेशन अर्लियर टू मीट ग्रुप्स फ्रॉम राजस्थान इन प्रशांति निलयम में पूर्व में भी मुझे कई अवसर मिल चुके हैं जबकि मैं राजस्थान के भक्तों से मिला हूँ एवरी टाइम दे हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी टू विजिट राजस्थान और वो जब भी यहाँ राजस्थान आते हैं जब भी वे प्रशांति आते हैं मुझसे राजस्थान आने का अनुरोध करते हैं बट बाबा डिसाइडेड दिस मुहूर्त दिस मोमेंट टू बी हियर लेकिन बाबा ही ये निश्चय करते हैं किस मुहूर्त में मुझे आना है और अब मैं आया हूँ आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन मैं आपके निमंत्रण के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस और आप सबकी यहाँ उपस्थिति एंड आई रियली एडमायर योर डिवोशन और मैं आपके भगवान के प्रति प्रेम को बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ इन स्पिरिचुअल फील्ड आध्यात्मिक फील्ड में नंबर डज नॉट काउंट हम नंबरों या संख्या की तरफ नहीं जाते हैं क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट क्वांटिटी मात्रा कितनी उस पर नहीं जाते हैं क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट गुणवत्ता महत्वपूर्ण है आई फाइंड सो मेनी फ्रॉम राजस्थान लिसनिंग टू द टॉक्स इन रैप्ड अटेंशन इन 100% साइलेंस पिन ड्रॉप साइलेंस ए प्रूफ ऑफ डिवोशन दिस इज क्वालिटी डिवोशन ये राजस्थान के भक्तों की प्रशंसा है कि वह शत प्रतिशत शांति से उठकर मेरी बातों को सुन रहे हैं आई रियली अप्रिशिएट यू मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ वी फाइंड मेनी मेनी पीपल इन वेजिटेबल मार्केट हमें सब्जी के मार्केट में बहुत सारे लोग नजर आते हैं वी फाइंड मेनी पीपल इन फिश मार्केट फिश मार्केट में भी बहुत लोग नजर आते हैं ओनली वेरी फ्यू पीपल गेट इनटू ज्वेलरी शॉप लेकिन सोने चांदी के व्यापार के दुकान पर बहुत कम लोग जाते हैं एज आई वाज गोइंग अराउंड द जयपुर जब मैं कल जयपुर भ्रमण पर था आई सॉ मेनी ज्वेलरी शॉप्स मैंने कई जेवरात की दुकानें देखी द शॉप्स आर देयर ज्वेल्स आर सीटेड हियर शॉप बहुत कम है दुकानें बहुत कम है लेकिन रत्न सब यहाँ बैठे हैं आई एम सो ग्लैड
to meet all of you the precious jewels of Rajasthan. मैं आप सब बहुमूल्य रत्नों जो कि राजस्थान के बहुमूल्य रत्न मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ. I'm also excited to listen to melodious bhajans of our youngsters. मैंने हमारे जो अभी यंगस्टर्स ने भजन गाए उसको सुनकर बहुत आनंदित हुआ. I'm very glad to know that there are 2 colleges and 3 schools in the state. मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजस्थान में एक कॉलेज और 3 स्कूल हैं. ईश्वरम्मा कॉलेज ऑफ एजुकेशन. ईश्वरम्मा कॉलेज ऑफ एजुकेशन. It's a news to me. ये मेरे लिए एक समाचार है. I've been in Sai Fold for the last 40 years. मैं साई फोल्ड में पिछले 40 वर्षों से हूँ. I do not know this. मुझे ये नहीं पता था. Pardon me for my ignorance. मेरे ये नहीं जानने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. Perhaps outside Sai institutions. लेकिन Sai institutions के बाहर. It is only Jaipur that is having college of education nowhere in India. केवल जयपुर में ऐसा विद्यालय ऐसा कॉलेज है. It is a matter of pride. ये एक गर्व का विषय है. We also know. हम जानते हैं. The first college is started at Anandpur for girls. लड़कियों के लिए पहला कॉलेज भगवान ने अनंतपुर में आरंभ किया था. The next college started for girls happened to be Jaipur. और उसके बाद which is a matter of pride. दूसरा कॉलेज केवल जयपुर में आरंभ हुआ जो कि एक गर्व का विषय है. It's not an ordinary joke. ये कोई एक साधारण जोक नहीं है. It's not a small attainment. ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है. Right now in the presence of the Vice President of Northern Zone. Northern Zone के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सम्मुख Mr. Nimish Pandya. श्री निमिष पांड्या जी. I say emphatically. मैं उनको बताना चाहता हूँ. I say with all the stress and repeatedly I appeal to them. मैं उनको बार बार ये बताना चाहता हूँ. That to see the functioning of these 2 institutions is the responsibility of such an organization. ये सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी है कि यहाँ पर प्रोग्राम्स हो. Because the institution started by him. क्योंकि ये भगवान द्वारा ये इंस्टीट्यूट आरंभ किया गया था. The institute, the place is visited by him. इस जगह पर भगवान के पावन चरण पड़े थे. Avatar visited this holy place Jaipur 3 times. भगवान जयपुर में 3 बार आए. So we have to determine 3 times to keep the flag fly high. हमें 3 गुना भगवान की इस बात को ऊपर रखना है. I request you, sir. मैं आपको अनुरोध करता हूँ. To take every step. आप प्रत्येक कदम इस ओर बढ़ाएं. Every possible step. जो भी संभव हो सके. To see that the institution will grow more and more to greater heights of excellence. जिससे कि ये महाविद्यालय ऊंची ऊंचाइयों पर छू सके. Please take it as a prestige, since as a matter of prestige of the organization. ये संगठन की प्रेस्टीज की बात है. Take it as a matter of challenge to Sai devotees. ये साई भक्तों के लिए एक चैलेंज का विषय है. I'm sure that you'll work in this direction. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस ओर कार्य करेंगे. Swami's last discourse. स्वामी का जो अंतिम डिस्कोर्स था. Was on his 85th birthday. जो कि उन्होंने उनके 85वें अवतरण वर्ष पर बोला था. Prior to that convocation day. जो कॉन्वोकेशन जो कि कॉलेज का होता है. It was the last discourse. ये भगवान का अंतिम डिस्कोर्स था. The voice was so feeble. भगवान की आवाज इतनी धीमी थी. Very difficult to hear him. और उनको सुनना बहुत ही मुश्किल था. Impossible to translate and convey the depth and the spirit of the discourse. और उनके भाषण को लगभग भक्तों तक पहुंचाना असंभव सा था. But with the divine grace. बट भगवान के दिव्य अनुग्रह से. Somehow I could come out successfully. और somehow मतलब मैं किसी तरह से इसमें सफल हुआ. As a translator. As अनुवाद की ओर से, अनुवाद करने की ओर से. What was the last discourse? भगवान का अंतिम डिस्कोर्स क्या था? He spoke about the women. और उन्होंने महिलाओं के बारे में बोला. The role of women. महिलाओं के रोल के बारे में. The devotion of women. और वुमेन्स का भगवान के प्रति जो डिवोशन है. As the nucleus of every family. और महिलाएं पर एक प्रत्येक परिवार का न्यूक्लियस होती हैं. As the center of the community. और समाज की सेंटर होती हैं. As the torchbearer of the culture. और जो संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है. Torchbearer. He cited many examples. और उन्होंने अनेक उदाहरण दिए. He mentioned of माता सीता. उन्होंने माता सीता के बारे में बताया. Who withstood the test of fire. जिन्होंने अग्नि परीक्षण में सफल उतरी. He was mentioning चंद्रमती. उन्होंने चंद्रमती के बारे में बताया. Who withstood all the tests.
जिन्होंने सारी परीक्षाओं में वो खरी उतरी दैट मेड हरिश्चंद्र पॉसिबल और जिन्होंने हरिश्चंद्र को ये संभव किया टू होल्ड ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ जो कि सत्य के मार्ग पर चल पाए ही वाज मेंशनिंग दमयंती उन्होंने दमयंती के बारे में बताया वाज रेडी टू डाई जो अपनी मृत्यु के लिए तैयार थी एंड ही वाज मेंशनिंग द नेम्स ऑफ आल्सो सत्यवती उन्होंने सत्यवती के बारे में भी बताया Who could bring back her dead husband to life? जो कि अपने मृत पति का शरीर उनको जिंदा करके वापस लिया। Finally he said. और अंततः उन्होंने कहा। If the culture of Bharat is alive. यदि भारतीय संस्कृति को रहना है। If the families follow the tradition. और यदि परिवार पुराने हमारे जो संस्कृति को यदि अनुकरण करता है। The whole and the sole credit goes to स्त्री, the woman. और उसकी क्रेडिट किसको जाती है? महिलाओं को। Therefore, he started the college for women. और इसीलिए उन्होंने महिलाओं के लिए कॉलेज आरंभ किया। I'm so glad Brother Nimish mentioned these points in his talk at the beginning. मैं अत्यंत खुश हूँ कि निमिश भाई ने अपनी वार्ता में इस पॉइंट को टच किया, इस बिंदु को टच किया। I should tell you one more point before I go to the next. मैं आपको एक और बिंदु बताना चाहता हूँ। Why has he started colleges for women? उन्होंने महिलाओं के लिए एक महाविद्यालय क्यों आरंभ किए? Why? क्यों? Why MSA? Why? क्यों? Why MA? क्यों MA? MA का कोर्स? Why PhD? क्यों PhD का कोर्स? Why colleges? क्यों महाविद्यालय? He gave only one answer. उन्होंने केवल एक ही उत्तर दिया. I started colleges for women. मैंने महिलाओं के लिए कॉलेज आरंभ किए. So that. जिससे कि? I would train ideal mothers of this country. जो कि मैं आदर्श माताओं को शिक्षण दे सकूं. We do not have ideal mothers in this country. हमारे यहाँ आदर्श माताओं की कमी है. Therefore, we don't have ideal children. और इसीलिए हमारे आदर्श बच्चे नहीं हैं। Hence, we don't have ideal citizens. और इसीलिए हमारे पास आदर्श नागरिक नहीं हैं। That led to restlessness in society. और इसीलिए आज समाज में अशांति फैली हुई है। I can also make a mention of स्त्री, the definition that Swami has given. और स्त्री की परिभाषा जो भगवान ने बताई है, मैं आपको बताता हूँ। As Baba talks. जैसा कि बाबा बताते हैं। Words wait to come out of his lips. और जो कि शब्द जैसे कि उनके मुंह से निकलने के लिए तैयार बैठे हैं एवरी लेटर वेट्स फॉर ए चांस टू कम आउट ऑफ हिज डिवाइन लिप्स और भगवान के दिव्य मुंह से एक एक शब्द निकलने को तैयार रहता है एज इफ सरस्वती इज प्रिपेयर्ड टू डांस इन राइट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस और जैसे कि सरस्वती हम सबके सम्मुख नृत्य करने के लिए तैयार है एलिटरेशंस कंपैरिजंस स्टोरीज सॉन्ग्स रश At a jet airline speed. भगवान जो हमें बताते हैं वो बिल्कुल जेट एयरवेज की स्पीड के समान बताते हैं स्त्री स्त्री has three letters. स्त्री में तीन शब्द हैं सा ता रा सा ता रा सा stands for सात्विक quality. और सा का तात्पर्य क्या है सात्विक गुण ता stands for तामस तमस ता तामस रा stands for राजसिक और रा राजसी के लिए सात्विक सात्विक the piousness सात्विक माने कि हमें जो है अच्छे विचार हमारे मन में spiritual truth आध्यात्मिक सच बोलना compassion दयालुता forbearance क्षमाशील coolness शांति balanced mind और हमेशा balanced mind balanced mind balanced mind यानी कि हमारा जो मन है वो बिल्कुल बैलेंस है These are the sattvic qualities. और ये सात्विक गुण हैं। Ambition. बिल्कुल ambition है कुछ कुछ करने की इच्छा है। Desire. इच्छाएं। Ego. Ego. Domination. Domination. Dominate करना। Position mongering. Position. Aspirations. किसी कार्य करने की इच्छा। Rajasic qualities. राजसी गुण। Gluttony. Excess of eating. Excess of eating, बहुत ज्यादा खाना Excess of sleeping, बहुत ज्यादा सोना Violence, हिंसा These are all tamasic qualities. ये सब तामसिक गुण हैं Then with reference to woman, वुमन के बारे में स्त्री के बारे में स्वामी changed it in a nice, delicate, sensitive interpretation. और भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से उसका अर्थ बताया कैसे It is possible for him alone. केवल ये उनके लिए संभव है You cannot do it. आप नहीं कर सकते स्वामी says, भगवान कहते हैं इफ पेशेंस यदि आप में पेशेंस है forbearance, यदि आप में क्षमाशीलता है sacrifice, यदि आप में त्याग है और सात्विक qualities, ये सब सात्विक गुण हैं they are embodied in a woman.
और ये सब किसमें है? एक महिला में है। The preparedness to die. मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना। For the family. अपने परिवार के लिए। The preparedness to give everything for the child. और अपने बच्चे के लिए सब कुछ देने को तैयार रहना। That is tamasic quality. और ये तामसिक गुण है। Little shyness. थोड़ा शर्माना। Reservedness. कुछ अलग अलग सा रहना। Composure. कंपोजर। That femininity. Femininity यानी कि मैं फीमेल हूँ। That delicacy. और जो delicacy, नाजुकता। That sensitivity. I could not get sensitivity. Sensitivity. That tenderness. जो एक यंग एज में होती tender. Are the rajasic qualities. ये सब राजसी गुण हैं। So स्त्री सात आठ स्त्री great you are. और स्त्री आप बहुत ही महान हैं। A small story. एक छोटी सी कथा। Because of poverty. गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण। Too many children. बहुत सारे बच्चे। Being not able to make both ends meet. दोनों समय का भोजन नहीं खा पाते हैं। It was the wife of Kuchela. कुचेला नामक एक पत्नी थी। Tells her husband. वो अपने पति से बोलती है। Please go to your classmate. आप अपने सहपाठी के पास जाइए। योर कृष्णा इज योर क्लासमेट। और कृष्णा आपके सहपाठी हैं। कृष्णा इज किंग ऑफ किंग्स। और कृष्णा राजाओं के राजा हैं, राजाधिराज हैं। यू गो टू हिम। आप उनको जाइए। ही विल गिव यू व्हाट यू वांट। और वो आपको सब कुछ दे देंगे जो आप चाहते हैं। ही विल मेक यू फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। और वो आपको निर्धनता को दूर कर देंगे। वी डोंट नीड टू सफर एनीमोर। और हमें और कुछ दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। हेजिटेटिंगली और बड़े शर्माते हुए, बड़े मुश्किलों के साथ। With so many doubts, और अपने मन में अनेक शंकाओं के लिए। With torn clothes, और फटे हुए कपड़ों के साथ। Carrying handful of beaten rice, और जो चावल के दाने थे वो हाथ में लिए हुए। He goes to the palace, king's palace, Lord Krishna. और वो राजाओं के महल में जाते हैं। सेवा दल at the gate, सेवा दल जो कि द्वार पर खड़ा था। जैसे बाहर जाओ, उन्होंने उनको बोला बाहर जाओ। We don't allow you. हम आपको अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं। Because your dress is not nice. Because तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं। You are not civilized. और आप एक सभ्य नागरिक नहीं हैं। Get out. You are? Get out, they said. बाहर चले जाइए। Lord Krishna saw this from inside. भगवान कृष्ण अंदर से ये सब देख रहे थे। He rushes to the gate. वो गेट की ओर तुरंत दौड़े। He hugs him. और उन्होंने अपने मित्र को गले लगा लिया। He ushers him into the palace. और वो उनको अंदर राजमहल में लेकर आए। Makes him sit on the swing. और उनको झूले पर बिठाया। Asks all the queens to wash his feet. और सभी रानियों से कहा कि इसके पैर धो। Fan him. और उनको पंखा चलाओ। And then Lord Krishna said. और तब भगवान कृष्ण बोले। Have you forgotten my friend? क्या मेरे मित्र तुम मुझे भूल गए हो? Have you forgotten those days when we played well in the forest? और क्या वो दिन भूल गए हो जब जंगल में हम साथ साथ खेलते थे? Have you forgotten those days when you ate curd rice mixed with little pickle? और वो दिन भूल गए जब हम दही चावल कुछ अचार के साथ साथ खाया करते थे? Have you forgotten all the mischief that we did? और हम में जो शैतानी करी वो सब भूल गए? And Kuchela was shedding tears. और कुचेला की आंखों में अश्रु धारा बह उठी। What have you brought for me, my friend? Says Krishna. कृष्ण भगवान ने अपने सहपाठी से पूछा, मेरे मित्र, मेरे लिए तुम क्या लेकर आए हो? Then he offers the beaten rice. और उन्होंने क्या दिया? कूटे हुए चावल के दाने। Krishna was about, he was taking two fistfuls. और कृष्ण भगवान ने दो बार हाथों से उठाकर वो चावल खाए। Eating it like rasagola. और कैसे खाया? जैसे कि रस खा रहे हैं, रस स्वादन कर रहे हैं। Oh, sweeter than all Rajasthani sweets. और जिस तरह से जो राजस्थान की मिठाइयां हैं उसी तरह से। Oh, enjoying the beaten rice. और उन्होंने उन पीटे हुए चावलों का आनंद लिया। He was about to eat the third fistful. और वो तीसरा बार हाथ से उठाने वाले थे। रुक्मिणी से रुक्मणी बोली, No more, my lord, stop it. मेरे भगवान अब और नहीं, रुकिए। All our pundits, हमारे सारे पंडित, all our scholars, और जितने हमारे scholars हैं, they say in the temples, और वो उन्होंने जो मंदिर के जो हमारे संत हैं, and outside, और जो बाहर हैं, as an answer to this,
वो सब उसका उत्तर है. Why did she not allow Krishna to eat third fistful? Why? उन्होंने ये पूछा, कृष्ण भगवान को तीसरी बार रुक्मणी ने क्यों नहीं उठाने दिया? All these scholars of aeons give this answer. और सारे जो scholars थे उन्होंने उत्तर दिया. If Krishna eats third fistful also, यदि कृष्ण भगवान ने वो तीसरी बार भी वो चावल के दाने खाए होते, he will lose all his kingdom. तो उन्होंने अपना सारा राज्य साम्राज्य खो दिया होता. He will lose all his powers. और उन्होंने सारी शक्तियों से वो हास हो चुके होते. बाबा says, भगवान बाबा कहते हैं, Shut up nonsense. ये सब ठीक नहीं है. God's property is not gone by eating one fistful of beaten rice. और भगवान की ताकत या भगवान का साम्राज्य केवल चावल के थाने खाने से नहीं जाता है. What a useless interpretation it is. ये क्या अर्थहीन बातें कर रहे हो. माताजी stopped him from eating. माताजी यानी रुक्मणी माता उनको खाने से रोकती है. You know the reason? क्या आपको उसका कारण पता है? My Lord, you have eaten. मेरे भगवान आपने खाया है. You have blessed the devotee. और आपने भक्तों को अनुग्रह की वर्षा करी है. How about my share, my Lord? भगवान मेरे ऊपर आपने अनुग्रह की वर्षा नहीं करी. That is such a Sai Baba. और ये है हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा. And in the process, और इसी प्रोसेस में कुचेला forgot. कुचेला भूल गए. What to ask? और भगवान से क्या पूछना था. Why he has gone there? और वो वहां क्यों गए थे. It happens to all of us. और ये हम सभी के साथ होता है. We keep a letter in our pocket. हम अपने जेब में भगवान को देने के लिए पत्र रखते हैं. Wife tells everyone. और हमारी पत्नी बोलती है, Keep the letter in your pocket. जेब में लेटर रखना. स्वामी goes number of times around gents side. और स्वामी पुरुषों की ओर कई बार आते हैं. स्वामी looks at him. स्वामी उसकी ओर देखते हैं. He gets पाद नमस्कार. वो भगवान के पाद नमस्कार लेता है. Second day he gets interview. और अगले दिन उसको साक्षात्कार मिलता है. And he forgets the letter. और वह चिट्ठी देना भूल जाता है. He forgets to give the letter. वो पत्र देना चिट्ठी देना भूल जाता है. Then he'll get from the wife. और फिर उसकी पत्नी उसको पूछती है, mouthful of doses. Why you have forgotten to give the letter? और उसकी पत्नी उसको चिल्लाती है, तुमने पत्र क्यों नहीं दिया? It happens to us. ये हम सभी के साथ होता है. We want to ask Swami something. हम स्वामी से कुछ पूछना चाहते हैं. In front of him, हम उनके सामने, mind is gone. और हमारा मन कहीं और खो जाता है, भूल जाते हैं. We can't speak. हम भगवान के सामने शब्दहीन हो जाते हैं. Only one thing. केवल एक ही विचार. With the eyes broad. और हमारी आंखें खुली हुई. Eyebrows up. और हमारी भौहें ऊपर उठी हुई. With the folded hands. और हमारे हाथ दोनों भगवान की ओर जोड़े हुए. Go on listening to him. और भगवान को हम सुनते जाते हैं. Forget to ask. पूछना भूल जाते हैं. Mic fails here, mind fails there. यहाँ पर माइक फेल हो जाता है और उधर हमारा दिमाग. Same thing happened to Kuchela. कुचेला को भी कुछ ऐसा ही हुआ. He forgot to ask Lord Krishna. और भगवान कृष्ण से पूछना भूल गए. And he returns home. और वो अपने घर लौटते हैं. What does he find? क्या मिलता है उनको घर आकर? Wonderful highway. और बहुत ही बढ़िया हाईवे. Number of palaces. और कई सारे पैलेस, राजमहल. Children in Rajasthan jewelry. और राजस्थान के बच्चे जवाहरात पहने हुए. And the wife wearing Rajasthani sari above and all that nakki and all that over that. और उनकी पत्नी राजस्थानी साड़ी और हीरे जवाहरात पहने हुए. And this fellow refused to identify his wife. और वो अपनी पत्नी को पहचानने से मना कर देते हैं. Who is this lady? पूछे ये कौन लंबे महिला है. Who are these children with this jewelry? और ये उनके साथ ये बच्चे कौन है. And tells his wife all his experiences. और अपने पत्नी को सारे अनुभव बताते हैं. My friends, listen to me now. और मेरे प्यारे मित्रों, अब आप मुझे सुने. What does Baba say here? और भगवान यहाँ क्या बोलते हैं. Wife of Kuchela never saw Krishna. कुचेला की पत्नी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा. She never went to him. और वह कभी कृष्ण भगवान के पास नहीं गई. Husband Kuchela was his classmate. जबकि कुचेला भगवान कृष्ण का सहपाठी था, मित्र था. He was so near him. वो उनके इतने नजदीक था. But husband did not have that much of faith in Krishna as his wife. लेकिन कुचेला को भगवान में उतना विश्वास नहीं था जितना कि उनकी पत्नी को.
Doubt is the husband, faith is the wife. और शंकाएं किसमें थी? पति में, लेकिन पत्नी में पूरा विश्वास था भगवान में. That is the woman. यही है महिला. For them, Swami started colleges. और उन्हीं के लिए भगवान ने महाविद्यालय आरंभ किए. And brother also made a reference to. ब्रदर निमिष पांड्या साहब ने एक और रेफरेंस दिया था. Because we know each other for more than 30 years. हम एक दूसरे को पिछले 30 से भी अधिक वर्षों से जानते हैं. More than 30. He was mentioning papa bhiti, fear of sin. वो बता रहे थे पाप भीति यानी कि पाप से डर. He was referring to daiva priti, love of God. भगवान से प्रेम. What did Baba say about it? भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं? Much more on this theme. भगवान और भी ज्यादा कुछ इसके बारे में बताते हैं. Little deeper insight into this. और इसके बहुत ही डीप में जाकर आंतरिक अर्थ बताते हैं भगवान इसका. If you really believe. यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं. I'm inside you. और अपने अंतरात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं. I'm within you. मैं तुम्हारे अंदर हूँ. Question yourself. अपने आप से प्रश्न पूछो. Will this behavior acceptable to Swami or not? क्या भगवान को हमारा ये बर्ताव acceptable होगा? Will this talk be appreciated, endorsed by him or not? क्या भगवान हमारी इस वार्ता को प्रशंसा करेंगे इसकी? Will this action be pleasing unto him or not? क्या हमारे ये कर्म उनको पसंद करेंगे? Therefore, इसलिए भगवान the consciousness within you, भगवान जो कि हमारे अंदर विद्यमान है, you have to follow him. हमें उनका अनुकरण करना है, अनुसरण करना है. That's what's meant by follow the master. इसीलिए कहा जाता है मास्टर का अनुसरण करो. We are not masters. हम मास्टर नहीं है. We are only teachers. हम केवल अध्यापक हैं. He is the divine master. और वो दिव्य गुरु हैं. Follow the master. दिव्य गुरु का अनुसरण करो. When you follow him, जब आप उनका अनुसरण करेंगे, he will have papa bhiti, fear of sin. और फिर हमें जो पाप है, उससे हमें डर होगा. When you follow him, जब आप उनका अनुसरण करेंगे, he will have daiva priti. हमें भगवान से प्रेम होगा. When you look to him, जब हम उनकी ओर देखेंगे, then we संघ नीति, morality in society. संघ नीति. And another point he mentioned was this. निमिष पांड्या जी ने एक और बिंदु बताया था. Because I want to maintain continuity of the same theme. और मैं यह चाहता हूँ जो उन्होंने वार्ता करी उसी को आगे ले जाना चाहता हूँ. Because these points will get into your mind deeper. ताकि ये विचार आपके मन में अच्छी तरह से पहुंचे. Because if the same rhythm, same tune, same beat is maintained, that song will remain with you. यदि जो भक्त जब भजन सुनते हैं, एक भजन से दूसरे भजन में जब परिवर्तन होता है, ऐसा होता है तो हमारा मन कहीं और खो जाता है. इसीलिए उसी रस को, उसी आनंद को बनाए रखने के लिए मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ. My friends, मेरे प्यारे दोस्तों, in the community, समाज में, the master always the owner of a factory. और मास्टर कौन होता है? किसी भी एक फैक्ट्री का मालिक होता है. Always wants you to know and remember that you are an employee. और वो हमें बार-बार क्या याद दिलाता है कि तुम मेरे एक कर्मचारी हो. A minister always expects you to save Jindabad behind him. और एक मिनिस्टर क्या चाहता है? एक मंत्री क्या आप उसके पीछे क्या बोलो? जिंदाबाद. A guru always wants you to go around him when he is alive and after his samadhi when he is gone. और एक गुरु क्या चाहता है? जब वो जिंदा हो तो आप उसके आगे पीछे घूमो और जब वो मर जाए तो उसकी समाधि के आगे पीछे घूमो. Here is Baba. यहाँ भगवान बाबा हैं. Who says? जो कि बोलते हैं. That you and I are one. तुम और मैं एक ही हो. It's not mere saying. वो केवल बोलते नहीं हैं. It's not mere declaration. ये केवल उनकी घोषणा नहीं है. It's not a mere statement. और ये केवल उनका एक statement नहीं है. A simple example. एक साधारण उदाहरण. Bhagavan was having photographs, individual photographs with students. भगवान विद्यार्थियों के साथ एक-एक विद्यार्थी के साथ फोटोग्राफ ले रहे थे. At the end, अंत में, Anil Kumar, everyone finished. Anil Kumar, सबके फोटो हो गए? Yes, Swami. मैंने स्वामी से हाथ जोड़ा. हाँ स्वामी. No. स्वामी बोले नहीं. Car drivers, bus drivers are still there. कार चलाने वाले बस ड्राइवर अभी बचे हैं. That is Satya Sai Baba. ऐसे हैं हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा. After all of them had photos, जब उन सब के फोटोग्राफ हो गए, अनिल कुमार over. अनिल कुमार से पूछा, yes, क्या भाई हो गया? Yes, Swami.
मैंने बोला हाँ स्वामी. नो नो नो. भगवान फिर बोले नहीं नहीं नहीं. देयर आर कुक्स इनसाइड. लेकिन अंदर भोजन बनाने वाले बचे हैं. सर्वेंट मेड्स इनसाइड. और जिन्होंने काम किया वो बचे हैं. लेट देम कम एंड हैव फोटो. और उनको भी बुलाइए और उनके साथ मेरी फोटो खिंचवाइए. दैट इज इक्वालिटी. ये है एकत्व एकता. दैट इज वननेस. समता. दैट व्हाट इज मेंट बाय यू एंड आई आर वन. और इसी का अर्थ है तुम और मैं एक ही हो. देयर इज अ वेरी ग्रेट मैन. एक बहुत बड़ा व्यक्ति था. एक महान व्यक्ति था. ए ग्रेट स्कॉलर. और एक बहुत बड़ा स्कॉलर था. बाय नेम वी के गोकाक. उनका नाम है वी के गोकाक. गोकाक साहब ने एक बार कहा, व्हाई आर यू हैप्पी टू सी स्वामी. आप भगवान को देखकर क्यों खुश होते हो. यू हैड दर्शन ऑफ स्वामी इन द मॉर्निंग. आपको भगवान के प्रातःकाल दर्शन हुए थे. यू हैड दर्शन ऑफ स्वामी इन द इवनिंग. आपको भगवान के सायंकाल दर्शन होते हैं. Why again? दर्शन फिर क्यों? Why next day? फिर अगले दिन क्यों? Why following day? और उसके आगे वाले दिन क्यों? Why come again? और उसके बाद क्यों? बार बार क्यों? Why for next visit? और फिर अगली विजिट के लिए क्यों? Why? क्यों? Why do you want to see him again again? तुम उनको बार बार क्यों देखना चाहते हो? Gokak gave this example. प्रोफेसर गोकक ने ये उदाहरण दिया. When you stand in front of the mirror, जब आप एक दर्पण के सम्मुख खड़े होते हो, everyone feels that he is handsome, she is beautiful. वह ये सोचता है व्यक्ति या एक महिला सोचती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ. They go on adjusting their hair. और अपने बालों को संवारती है, संवारता है. Wherever there is a mirror, जहाँ पर भी दर्पण होगा, we stop. Okay, oh man, okay. और हम अपने आप को सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं. Similarly, उसी तरह, when you look at Baba, जब आप भगवान की ओर देखते हैं, the mirror. दर्पण की ओर. यू लुक एट यूर सेल्फ देयरफॉर यू आर हैंडसम. और इसीलिए आप किसको देखते हैं? अपने आप को भगवान में देखते हैं, इसलिए आप सुंदर दिखते हैं. दैट्स व्हाई ही इज सो ब्यूटीफुल. इसलिए वो बहुत सुंदर हैं. सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम. एंड भगवान सेड. भगवान ने एक बार कहा, एज ब्रदर वाज टेलिंग, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आई मीन यू, मैं तुम्हारे अंदर हूँ. वन एग्जाम्पल. एक उदाहरण. Dining with Swami is a royal banquet, Maharaja. और भगवान के साथ भोजन करना एक महाराजा के साथ भोजन करने के समान है. There will be 25 or 30 items. 25 से 30 उसके अंदर खाने में वैरायटीज थी. All sweets, full Rajasthan sweets, North Indian sweets. सब उत्तर भारत की मिठाइयाँ और सब तरह के. Swami mentions the sweets of माता जामनगर माता जी. भगवान राज जामनगर की माता के बारे में जो मिठाई खिलाई उसके बारे में बताते थे. It seems they bring a trolley with sweets and carry it to Swami. और वो भगवान को कैसे लेकर आते थे मिठाइयां एक ट्रॉली में रखकर. Swami will look at that trolley and say, स्वामी उस ट्रॉली को देखकर और बोलते थे, I am not bakasura to eat all this. भगवान बोलते थे मैं कोई बकवास नहीं, सब कुछ खाऊंगा. He means himself mentioned his trip. और उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में खुद ने बताया. How Rajmata treated him. और राजमाता ने किस तरह से उनका आदर सत्कार किया. Yashoda we never saw. यशोदा को हमने नहीं देखा. That Yashoda is Rajmata of Jamnagar. और वो यशोदा कौन है? जामनगर की राजमाता. He always treated Baba as a child. और उन्होंने भगवान को हमेशा एक बालक की तरह पाला, बालक की तरह देखा. और वो एक बच्चे की तरह भगवान बाबा को देखती थी. देर इज इन वृंदावन. वृंदावन वृंदावन वाइट फील्ड बैंगलोर में देर इज कृष्णा स्टैच्यू. एक भगवान कृष्ण की प्रतिमा है. मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज धातु की बनी हुई है, कांसे की. वी वर देयर एट दैट टाइम. हम उस समय वहीं थे. स्वामी सेड. भगवान बोले, नरसिंहमूर्ति हाउ इट इज, हाउ इज इट. नरसिंहमूर्ति जो कि वहां के वार्डन थे, नरसिंहमूर्ति ये कैसी है? वेरी गुड स्वामी. उन्होंने बोला, स्वामी बहुत अच्छी है. अनिल कुमार हाउ इज इट. अनिल कुमार से पूछा, ये कैसी है? वेरी ब्यूटीफुल स्वामी. मैंने कहा, स्वामी बहुत सुंदर है. राजमाता हाउ इज इट. राजमाता से पूछा, ये कैसी है? यू आर मोर ब्यूटीफुल देन द स्टैच्यू स्वामी. भगवान आप प्रतिमा से ज्यादा सुंदर है. दैट इज परसेप्शन ऑफ ए डिवोटी. ये एक भक्त की सोच होनी चाहिए. While dining with Swami, भगवान के साथ भोजन करते समय, curd I tell you, first class curd was served. बहुत बढ़िया दही जो है वो सबको वितरण किया गया. Number of sweets there. और कई सारी मिठाइयाँ, अनेकों अनेक मिठाइयाँ. Swami was not eating. भगवान नहीं खा रहे थे. We are ready to eat. हम खाने के लिए तैयार थे, तत्पर थे. We want to eat endlessly.
और हम बहुत एंग्शियसली खाने के लिए तैयार थे। The Lord does not begin. लेकिन भगवान ने आरंभ नहीं किया। Swami said, "Come on, start." भगवान ने कहा चलिए आरंभ करिए। We are busy as in the cricket field like Sachin Tendulkar. जैसे कि सचिन तेंदुलकर को शॉट लगाने में बिजी रहे, हम भी खाने में बहुत व्यस्त थे। ताका ताका eating. फटाफट मिठाई खा रहे थे। And Swami was just moving like that. भगवान घूम रहे थे सब भक्तों के मध्य। He was not eating. वो नहीं खा रहे थे। Swami, why don't you eat? भगवान आप क्यों नहीं खा रहे हैं? When you don't eat, भगवान आप जब नहीं खाते हैं, we feel so delicate to eat. और भगवान हमें खाने में थोड़ी शर्म आती है। If you eat little, यदि आप भगवान थोड़ा सा खाते हैं, we can eat more here. भगवान हम यहाँ ज्यादा खा सकते हैं। Please, Swami, भगवान कृपया करिए खाइए। Do you know what he said? भगवान ने बोला क्या बोला पता है आपको? अरे why should I eat? अरे मुझे क्यों खाने की आवश्यकता है? Why not, Swami? मतलब क्यों नहीं स्वामी? बाबा said. भगवान बोले. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. I am in your body, in you. I am eating. I am digesting. मैं ही खा रहा हूँ. मैं ही खा रहा हूँ. मैं उसको पचा रहा हूँ. That's what is I am in you. इसीलिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर विद्यमान हूँ. Most of you have gone to Puttaparthi. आप में से ज्यादा का लोग पुट्टपर्थी जा चुके हैं. Where we hear his talks. जहाँ पर हम भगवान के अमृत वचन को सुनते हैं. Wow, what a divine discourse it is. कितना दिव्य प्रवचन था भगवान का. But as we return. और जब हम वापस लौटते हैं. We keep all the discourse there only. और हम सारे प्रवचन वहीं पुट्टपर्थी छोड़ाते हैं. Something like a lawyer. और एक लॉयर की तरह. We'll put on the gown while going to the court. और फिर एक कोट पहनकर गाउन पहनकर कोर्ट जाते हैं. छोड़ दो और द मोमेंट ही कम्स आउट ऑफ द कोर्ट. और जैसे ही कोर्ट से बाहर आते हैं सब कुछ लाइक अ डॉक्टर हु वेयर्स द एप्रॉन. और डॉक्टर जिस तरह एप्रॉन पहनता है रिमूव द एप्रॉन एंड कम्स आउट. और रिमूव एप्रॉन को बाहर निकालकर फिर बाहर आ जाता है. बाबा गिव दिस एग्जांपल. भगवान ने एक उदाहरण दिया. हाउ वी आर हम किस तरह के हैं. वी स्प्रेड आवर टॉवल देयर. हम अपने रुमाल को वहां फैलाते हैं. एंड सिट ओवर दैट. और हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं. Then at the end of the discourse, और प्रवचन के अंत में what do we do? हम क्या करते हैं? उसको छटकते हैं. And throw it there only and come out. और उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं. We are not supposed to do that. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. We have to do with श्रद्धा. हमें श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए. With विश्वास. और विश्वास के साथ. And a point was raised. और एक प्रश्न उठाया गया था. हाउ टू डेवलप विश्वास. विश्वास कैसे जागृत करें. ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड. एक प्रश्न पूछा गया था. हाउ टू डेवलप लव. और प्रेम कैसे बढ़ाएं, प्रेम कैसे विकसित करें. वंस ए स्कॉलर सेड सेम थिंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्वामी. और एक स्कॉलर ने भगवान की दिव्य उपस्थिति में भगवान से पूछा. बीइंग विद स्वामी इन हिज डायरेक्ट प्रेजेंस फॉर 25 इयर्स. भगवान की शारीरिक उपस्थिति में मैं पिछले 25 वर्षों से जब था. I have these observations और मेरे to share with you. और मैं आपको कहीं उदाहरण इसके आप ही बताता हूँ. And at the end of the talk of the scholar, और इस स्कॉलर की वार्ता के पश्चात बाबा से भगवान बोले. The scholar spoke very nicely. और इस विद्यार्थी ने स्कॉलर ने बहुत अच्छा बोला. He said how to develop love. उन्होंने ये बताया कि प्रेम कैसे विकसित करें. He asked the question how to grow in faith. और अपने अंदर आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? You please tell him where love is in the market, which shop it is sold. तुम उनसे पूछो वो लव कहाँ बिकता है, मार्केट में कौन सी दुकान पर बिकता है? Show him in which mall the faith is sold. और किस शॉपिंग मॉल में ये विश्वास बिकता है? My boys, as Baba said. मेरे बच्चों जैसा भगवान ने बोला. Faith and love are not available in the market. विश्वास और प्रेम बाजार में नहीं मिलता है. They are not produced in a factory. और वो किसी कारखाने में नहीं पैदा होता है. They are not imported or exported. और उसका आयात और निर्यात नहीं होता है. You are born with love. और आप प्रेम के साथ पैदा हुए हो. You are love. आप प्रेम हो. Love is God. प्रेम ही भगवान है. God is love. और भगवान ही प्रेम है. Live in love. प्रेम के साथ रहो. And you are love. और आप प्रेम हो. बाबा says. भगवान कहते हैं. Child loves the mother. एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है. Who taught her? किसने उसको सिखाया? Newly born calf loves the mother cow. और जो छोटा एक बछड़ा पैदा होता है वो किससे प्रेम करता है? अपनी माँ गाय से. Who taught the lesson of love? ये प्रेम का पाठ उसको किसने सिखाया? Therefore, love is our inborn, latent, immanent gift of God.
और प्रेम इसीलिए हमारे से जन्म से हमारे अंदर है, ये भगवान ने पैदा किया है। बाबा गिव अस एग्जांपल। बाबा दूसरा उदाहरण देते हैं। कर्चीफ इज व्हाइट, कर्चीफ इज व्हाइट। जो हैंडकरचीफ है, जो मैं रुमाल है, वो सफेद रंग का है। आई यूज इट एवरी डे। मैं इसको रोज काम में लेता हूँ। व्हाट हैपेंस? क्या होता है? इट बिकम्स डर्टी। ये गंदा हो जाता है। इट्स ब्राउन ब्लैक। ये भुरुआ भूरा काला हो जाता है। नाउ व्हाट शुड आई डू? अब मुझे क्या करना चाहिए? वॉश इट। इसको धोना चाहिए। सो इट विल बी व्हाइट अगेन। ताकि ये अगेन सफेद हो जाए, पुनः सफेद हो जाए। व्हाइटनेस इज इट्स ओरिजिनल कलर। सफेद इसका ओरिजिनल कलर है। द डर्ट इज बिकॉज ऑफ माई यूसेज। और इसके अंदर मिट्टी वो क्यों आई थी? मेरे उपयोग में लाने से। By washing it, उसको धोने से I bring back that original color. और मैं उसका ओरिजिनल कलर जो रंग था वो वापस ले आता हूँ। Love is your form. Love मेरा रूप है। Love तुम्हारा रूप है। प्रेम तुम्हारा रूप है। The attachment of dirt. और जो ये अटैचमेंट है हमारा, द डर्ट ऑफ पोजेसिवनेस। और ये डस्ट जो है वही हमारा एक तरह से अटैचमेंट है। एंड द डर्ट ऑफ ईगो। और डर्ट ईगो का, यानी कि जो गंदगी है, जो ईगो है हमारे मन में, जो ईर्ष्या है, मेड अवर लव व्हाइट हैंडकरचीफ डर्टी। और ये जो ईर्ष्या है ये हमारे सफेद रुमाल को गंदा बना देती है। व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? वॉश इट इसको धोना चाहिए, धोना चाहिए, धोना चाहिए। नाम स्मरण। सो दैट इट बिकम्स व्हाइट एंड ब्राइट अगेन। यस, अगेन दोबारा सफेद हो जाए, चमकदार हो जाए। जय हो गोपाल ना। लौड़ा। जय हो गोपाल ना। Where is faith available? विश्वास कहाँ मिलता है? Where is it? ये कहाँ है? Which shop? किस दुकान पर मिलता है? Is it in Rajasthan or Madhya Pradesh? ये राजस्थान में मिलता है या मध्य प्रदेश में? Or in the ocean? और क्या समुद्र में? बाबा said, भगवान कहते हैं, You have faith. तुम में विश्वास है? Don't say I have no faith. ये मत बोलो कि मुझे विश्वास नहीं है। Never say I have to develop faith. ये मत बोलो कि मुझ में विश्वास को जागृत करना है। There is faith in you. तुम में विश्वास है। Gold is very costly today. सोना आज की तारीख में बहुत बहुमूल्य है। You buy the gold. तुम सोना खरीदते हो। Give it to the goldsmith. और किसको देते हो? सुनार को देते हो। You want to have a chain. आपको क्या चाहिए होती है? चेन। You have faith in the goldsmith. और तुम में उस सुनार में विश्वास है।
You never think that he'll run away with your gold. और कभी ये सोचते हो कि वो तुम्हारा सोना लेकर भाग जाएगा? You go to the doctor. आप डॉक्टर को जाते हो. You lie down on the table. और टेबल पर लेट जाते हो. Whether you go up or down, we do not know. तुमको डॉक्टर ऊपर ले जाता है, नीचे ले जाएगा, मार देगा, पता नहीं है. You have faith in the doctor. लेकिन आपको डॉक्टर में विश्वास है. You go to the barber. और आप नाई के पास जाते हो. For the haircut. बाल कटाने के लिए. He may put the knife there or here, who knows? वो पता नहीं है वो चाकू कहाँ चलाएगा, सिर पे या इधर. So you have faith in the goldsmith, blacksmith, doctor, everybody, but not in God. तुम में सब पर विश्वास है, सुनार पर, बारबर पर, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है. So there is faith. इसलिए विश्वास है. You have lost in respect of God. लेकिन भगवान के प्रति आपने विश्वास को खो दिया है. We may have faith in Swami. हमारा भगवान में विश्वास हो सकता है. Sometimes doubt comes. कभी कभी शंकाएं पैदा होती हैं. One Swami went to Kerala. एक बार भगवान केरला गए. Before Swami's discourse, Kasturi spoke. स्वामी के प्रवचन के पूर्व प्रोफेसर कस्तूरी ने बोला. Then Swami in his talk said. और भगवान ने फिर अपने प्रवचन के दौरान कहा. कस्तूरी स्पोक नाइसली. कस्तूरी जी बहुत अच्छा बोले. कस्तूरी मेंशन्ड ऑल थिंग्स. और कस्तूरी ने सभी बातों के बारे में बताया. बट किंतु वॉचिंग द क्लाउड्स देयर. लेकिन ऊपर आसमान में बादल देखकर. ही वाज डाउटिंग देयर विल बी रेन. और वो एक शंका पैदा कर रहे थे शायद बारिश हो जाए. दैट स्वामीज डिस्कोर्स विल बी स्पॉइल्ड. और भगवान का प्रवचन खराब हो जाएगा. ही वांट्स यू टू हैव फेथ व्हाइल ही हैज नो फेथ फॉर हिमसेल्फ. और वो तुमसे चाहते हैं कि तुम्हें भगवान में विश्वास हो जबकि उनका स्वयं का भगवान में विश्वास नहीं है. दैट्स व्हाट बाबा सेड. ऐसा भगवान ने बोला. एंड ड्यूरिंग वन ऑफ द दशहरा सेलिब्रेशंस. और दशहरा के पर्व के सेलिब्रेशन के समय. ऑल प्रीस्ट इन अ लाइन आर गोइंग. और जितने भी वहां पर जो प्रीस्ट हैं जो कि वो पुजारी हैं, एक लाइन में बैठते हैं. स्वामी आज व्हाट आर यू, व्हाट आर डूइंग. स्वामी ने उनसे पूछा तुम क्या करते हो. वेयर आर यू गोइंग. तुम कहां जा रहे हो. स्वामी. स्वामी. वी वांट टू डू गायत्री. स्वामी हम गायत्री का पाठ करना चाहते हैं. दिस इज ट्वाइलाइट, संध्या समय. और ये भगवान, ये संध्या का समय है. Swami, all right, go, go, go. Tappaka, definitely you go. Swami ne bola, yes, nischit taur par tum jao. When they were going like that, jab wo ja rahe the, Swami said, Bhagwan bole, Gayatri is here, they are going for Gayatri also. Gayatri yaar, Gayatri ko dhoondne kahin aur ja rahe hain. That's why what we do. Isliye hum kya karte hain? This is what our devotion is. Aur yahi hai hamari Bhagwan ke prati bhakti. As we become Sai devotees in the beginning, जब हम प्रारंभ में भगवान के भक्त बनते हैं, साईं भक्त बनते हैं, we begin to talk loudly. हम बहुत जोर से बोलते हैं. We begin to share our experiences with everybody. और हम हमारे अनुभव सभी के साथ बांटते हैं. How we came to Swami. हम भगवान के पास कैसे आए. Including the year and the date and the time. और पुराने समय में कैसे कैसे आए भगवान के पास. Number of times we had interview. हमारा कितनी बार साक्षात्कार हुआ है. Number of gifts we received. और भगवान से कितनी बार हमको उपहार मिला है. Go on speaking and speaking. बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं. That the first stage. और पहली स्टेज में. First gate. और पहले गेट पे. What is the gate? और पहली तारीख क्या है. चैटर्जी, चैटरिंग, टॉकिंग, टॉकिंग, टॉकिंग. चैटर्जी, चैटरिंग मतलब बातें करते रहे, करते रहे, करते रहे. Then comes next. और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है. Why don't I join Sai organization? और मैं सत्य साई संगठन में क्यों नहीं आता हूँ. Why not I become बाल विकास? और मैं बाल विकास क्यों नहीं लेता हूँ. Why not I join सेवा दल? और मैं सेवा दल में क्यों नहीं सम्मिलित होता हूँ. Why not I become convener? और मैं समन्वय क्यों नहीं बनता हूँ. When am I going to become district president? और मैं जिला अध्यक्ष कब बनूंगा. At least some state president. और नहीं तो कम से कम राज्य अध्यक्ष. It becomes a career. और एक तरह से हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। बैनर सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन बैनर जी सेकंड स्टेज. और सत्य साई संगठन के चैटर्जी से पहले चटर चटर करते वो बैनर जी बैनर 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 यानी कि जो अभी आप बैनर देख रहे हैं पीछे भी. Then he will understand. तब उसको समझ में आता है. Talk is useless. और बातचीत करना व्यर्थ है. बैनर पोजिशंस आर यूजलेस. और जो बैनर की पोजिशन है जो मिलती है हमको वो सब. Then he will be silent. तब वो शांत हो जाता है. रिफ्लेक्ट विद इन. और अपने अंदर देखते हैं, अंतर्मुखी होता है. मेडिटेट ध्यान करता है. एंजॉय सुप्रीम ब्लिस ऑफ बीइंग वन विद गॉड. और भगवान के ऊपर जो विजय प्राप्त करने की आनंद में आनंद लेता है. दैट स्टेट ऑफ साइलेंस इज मूका. साइलेंस मुखर्जी. साइलेंस यानी कि साइलेंस शांत रहना. और उससे क्या बना. चैटर्जी, बैनर्जी और अब मुखर्जी. दीज आर द थ्री स्टेट्स. ये तीन अलग अलग अवस्थाएं. बाबा वेयर हैव यू गॉन. बाबा आप कहाँ गए हैं.
We say that you left the body. हम कहते हैं कि आपने शरीर छोड़ दिया है. Some people say you are no more. कुछ लोग कहते हैं कि अब आप नहीं हैं. Some people ask me, since Swami is not there, why are you still there? कुछ लोग पूछते हैं भगवान नहीं तो तुम वहाँ क्यों हो? I tell them. मैं उनको बोलता हूँ. Are you here or not? तुम यहाँ हो या नहीं? Are you alive or not? तुम जिंदा हो या नहीं? When you are alive, why not Baba? और जब तुम जिंदा हो तो भगवान क्यों नहीं? Because your life is Baba. क्योंकि तुम्हारा जीवन ही बाबा है. You are there because of Baba. आप हो भगवान बाबा के कारण. So long you are there, Baba is there. जब तक आप हैं तब तक बाबा हैं. So long you are there, he is there. जब तक आप हैं तब तक भगवान बाबा हैं. And further, Baba said, gave one example, one simple illustration that I witnessed with my own eye. मैंने अपनी स्वयं की आंखों से एक भगवान द्वारा दिया गया एक सुंदर उदाहरण सुना है. Baba was standing like this. भगवान सीधे खड़े थे. One boy up, another boy coming there for the photograph. एक के बाद एक छात्र भगवान के साथ फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं. I got number of photos with मेरे पास बहुत सारी फोटोग्राफ हैं. And one after one was going like that. और इसी तरह से बच्चे जा रहे थे. I was watching Swami like that. मैं सबको देख रहा था ध्यान से. Hey, your turn is finished. Hey, तुम्हारा टर्न हो गया. तुमने खिंचवा लिया फोटो. Why are you still there? तुम यहाँ क्यों हो? No, Swami. No, Swami. I have just one remark to say. स्वामी मुझे एक बात बोलनी है. You are more beautiful than all the boys. भगवान आप सब विद्यार्थियों से ज्यादा सुंदर हैं. Immediately so. Is that so? He was just अच्छा ऐसा है क्या? And then he remarked. जब उन्होंने बोला. Look here. इधर देखो. One boy after another boy coming and going. एक के बाद एक छात्र आ रहे हैं और जा रहे हैं. They take photos with me and go. वो मेरे साथ फोटो खिंचवाते और चले जाते हैं. I remain same. मैं वैसा के वैसा ही रहता हूँ. The one that remains once for all to continue in eternity throughout immortal is God. और जो हमेशा एक समान एक जैसा है वो क्या है? भगवान है. The one who comes and goes ephemeral, transitory, changing, mortal is human. और जो आता है जाता है जो चला जाता है मर जाता है वो क्या है? मानव है. So God is. इसलिए भगवान हैं. We may be, may not be. हम विश्वास हम हैं या नहीं हैं. We may come and go. हम आ सकते हैं और जा सकते हैं. That's why जागत आए और गए. That's what Swami says. जो कि भगवान कहते हैं. We should perfect our mind. हमारे मन को हमें जो है perfect करना चाहिए. President Saab was mentioning about number of activities. ने अभी कई गतिविधियों के बारे में बताया. He is very much worried about youth coming into the organization. और वो नौजवानों को जो कि संगठन में आने के प्रति चिंतित हैं. Baba started his mission all alone. भगवान ने अपना संगठन एक अकेले से आरंभ किया. मानस बजरे गुरु all alone. भगवान ने अकेले से संगठन आरंभ किया. Nobody. कोई नहीं था. He became so great. अब इतने महान बने. He became international. और वो एक जो है अंतरदेशीय फिगर बने. Why? क्यों? He practiced. उन्होंने उसको जीवन में व्यवहार में लाया. He was an example. वो एक ज्वलंत उदाहरण थे. He did not ask them, you do bhajan, I'll sit at home. उन्होंने बोला तुम भजन करो मैं घर पे बैठूंगा. He does bhajan. उन्होंने खुद भी ताली बजाते थे भजन करते थे. He does work. वो कार्य करते थे. He has no holiday. उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती थी. He works throughout. वो पूरे साल कार्य करते थे. He is the best example. वो एक सबसे अच्छा उदाहरण है. He is the hero of heroes. वो हीरो हीरो के हीरो हैं. Therefore, it has become a mighty organization. और इसीलिए ये संगठन एक अद्वितीय संगठन है. My dear friends of Rajasthan. मेरे राजस्थान के मित्रों. Every one of you is a hero. This will grow like Himalayas. और यदि आप सब हीरो होंगे तो हिमालय पर्वत की तरह राजस्थान बढ़ेगा. Nobody can stop you. आपको कोई नहीं रोक सकता. One district president told Swami. एक बार जिला अध्यक्ष ने भगवान से कहा. Swami, many people are not coming for bhajan and nagar sankirtan. स्वामी कई लोग नगर संकीर्तन और भजन में नहीं आते हैं. Baba said. भगवान बोले. You are not going. How do you say about others? तुम दूसरों के बारे में क्या बता दो तुम स्वयं नहीं जाते हो. Then this man said. तब ये व्यक्ति बोला. Swami, I have joint pains in my knees. I cannot go. भगवान मेरे पैर के जोड़ों में दर्द है इसलिए मैं नहीं जा सकता. But you are going to your land to supervise your agriculture and income. लेकिन तुम तुम्हारे खेती की इनकम वो देखने के लिए जाते हो. You have gained their pain here. तुमको वहाँ लाभ होता है उधर दर्द. It should not be the situation. ये हमारी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए. We should have pure thoughts. हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए. Selfless thoughts. बिल्कुल निष्काम होने चाहिए. No motivation. कोई मोटिवेशन के तौर पर नहीं होने चाहिए. No desire. हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए. No career prospects.
और आगे हमारे करियर में बढ़ने के कोई विचार नहीं होने प्रमोशंस और डिमोशंस और रिवर्शंस हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें जिंदगी में आगे क्या प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा मनसुलोनि भावंबो मंचिदैन कलिगि तीरुनु कार्य सिद्धि फलमंदो మనసులోని భవంబు మలినమైన ఫలము కూడా ఆ రీతి మలిన మగును ఇది మోటివేషన్ ఇస్ రాంగ్ ఇది ఐడియాస్ ఆర్ సెల్ఫిష్ ఇది హమారే విచార్ స్వార్థ భరే హోంగే ద రిజల్ట్స్ ఆల్సో విల్ బి సెల్ఫిష్ ఆర్ ఉస్కే పరిణామ్ భీ స్వార్థ సే భరే హోంగే ఇది మోటివేషన్ ఇస్ గుడ్ ఇది హమారే విచార్ అచ్చే హై ఇది స్పిరిట్ ఇస్ గుడ్ ఇది హమారే హమారీ భావన అచ్చి హై ఇట్ ఇస్ సెల్ఫ్లెస్ यदि ये बिल्कुल निष्काम है well, the results will be positive. और उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे I have a word to say about moksha. मैं मोक्ष के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ My friends, मेरे प्यारे दोस्तों Where is moksha? मोक्ष कहाँ मिलता है When Neil Armstrong went stepped on the moon. जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा He did not find moksha there. लेकिन उसको वहाँ भी मोक्ष नहीं मिला William Sunita Williams has gone round the space. She did not find moksha. Sunita Williams, जो कि अंतरिक्ष में गई, वहाँ भी उसको मोक्ष नहीं मिला. Many people have gone to the depth of ocean. They have not found moksha there. कई लोग महासागर की गहराइयों में गए, वहाँ भी मोक्ष नहीं मिला. Where is moksha? मोक्ष कहाँ मिलेगा? It is here. ये यहाँ है. It is the mind that makes the heaven out of hell, hell out of heaven. Manayeva manushyanam karanam bandha mokshayo. ये हमारी मन ही जन्म और मृत्यु का बंधन का कारण है. Your joy is the very heaven. और जो तुम्हारा joy है, जो आनंद है, वो तुम्हारा क्या है? Your misery is hell. और तुम्हारी जो दृष्टि है, वो नरक के समान है. If you do not have any attachment. यदि तुम्हारा किसी के प्रति लगाव नहीं है. If we don't have abhimana mamakara, यदि आप में अभिमान नहीं है, that moha, यदि मोह नहीं है, if that moha attachment is not there, यदि तुम्हारे में मोह लगाव नहीं है, that is very moksha, according यही है मोक्ष की परिभाषा, therefore where is moksha, इसलिए मोक्ष कहाँ है, to be with Baba, भगवान के साथ होने में ही मोक्ष है, to sit here like this, और इस तरह यहाँ बैठने में, doing bhajans like this, इस तरह भजन करने में, to work for him, और उसके लिए उनके लिए कार्य करने में, very moksha not anywhere, मोक्ष कहीं नहीं है यही है Therefore, my friends. इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों. Our friend Vivek already gave me some signal. नहीं मेरा कुछ signal नहीं दिया. That. He said, sir, this much of time he was telling me, he was afraid of the general public, that he has to face you later. The music of life. अहम वेश्वान और भूतवा is now calling. Oh, I see. You are not going to leave me. मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ. I am not going to leave you. मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ. We are going to be together. हम एक साथ होंगे दिस इज नॉट माई फर्स्ट एंड द लास्ट विजिट ये मेरी प्रथम और अंतिम यात्रा नहीं है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग फॉर द होल स्टेट ऑफ राजस्थान ये राजस्थान की मेरी पहली पहली और पहली यात्रा है आरंभ है ये मेरा इफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज गुड इनफ यदि राज्याध्यक्ष महोदय इफ द डिवोटीज आर ईगर इनफ और भक्त मेरे को सुनने के लिए आतुर हैं यदि वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू बी फ्रेंडली उपाध्यक्ष मेरे साथ दोस्त करे होंगे आई एम श्योर टू रिपीट दिस विजिट एनी नंबर ऑफ टाइम्स और मैं कई बार दोबारा यहाँ पर आऊंगा आई गॉट माइसेल्फ टोटली फ्री मैं अपने आप को एक तरह सेवा निवृत्त कर चुका हूँ फ्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑल्सो यूनिवर्सिटी से भी नो मोर मोहा विद द यूनिवर्सिटी अब मेरा यूनिवर्सिटी के साथ कोई मोह नहीं है नाउ आई मीन मोक्षा और अब मैं मोक्ष की स्थिति में हूँ बिकॉज ऑफ विवेका इंटेलिजेंस हियर मे गॉड ब्लेस यू I'm sure that we'll have another occasion to talk to you. We'll be meeting again before I leave the place. And I love to mix among you. मैं आप सब लोगों के मध्य में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्न हूँ. I never consider myself a VIP. मैं अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मानता हूँ. I don't want to be VIP. और मैं VIP होना भी नहीं चाहता हूँ. I have no desire to be VIP. और मेरी VIP बनने की कोई इच्छा भी नहीं है. To a person who is a VIP, it may mean very important person. VIP का तात्पर्य हो सकता है अति महत्वपूर्ण व्यक्ति टू मी वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन और मेरे लिए क्या मतलब है उसका अर्थहीन व्यक्ति इसलिए we'll have many occasions to meet and talk and इसलिए हमें कई अवसर मिलेंगे जब हम आपस में मिलेंगे और बातचीत करेंगे साई राम चंद किरण कुल मंदन राम अरे भाई कम ऑन चंद किरण कुल मंदन राम Come on, come on, come on.
साईनाथ बाबा महाराज को जय। साईनाथ बाबा महाराज को जय। बोलो भगवान श्री सच्चाई बाबा जी की जय। बोलो भगवान श्री सच्चाई बाबा जी की जय। बोलो भगवान श्री सच्चाई बाबा जी की। दिस इज राजस्थान। थैंक यू। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिन भक्तों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। सर सौ नागरपुर के जो भक्तगण है वो इस माइक के पास आकर ही खड़े हो जाएंगे। सैराम विभूति पटेल जी और अखिलेश मिश्रा जी माइक के पास आ जा सकते हैं। जेल में मंजूर धन्यो ने सैराम जीरो के रानी के जो भक्तगण है वो भी कृपया माइक के पास आ जाए। सैराम जीरो के रानी के जो भक्तगण है वो भी कृपया करके माइक के पास आ जाए। सैराम Still waiting. Still. Beard College. No, my mother was the principal of Beard College. My father was the principal of Beard College. My aunties were principals of Beard College. Wonderful, wonderful. My pleasure, sir. My fortune to hear you, Rajasthan. Hindu college, Hindu. Christian college, Andhra Christian college. Sir. All top bosses of the state. All top bosses of the state. Abu. राजस्थान महाराजस राजस्थान महाराजस राजा जी I'm from which country? I like this state. I like the people. I like the people. Gandhi is the place. Social means welfare. Very good. I don't know.
हे लक्ष्मी शिवजी।